कल सुबह पहले टेस्ट में इन 11 शेरों के साथ मैदान पर उतरेगी रोहित की सेना। बांग्लादेशी कप्तान लगातार टीम इंडिया को दे रहे हैं खुली धमकी, इसलिए अचानक टीम इंडिया में करने पड़े 3 बड़े बदलाव। गुस्से में गौतम गंभीर, 2 बड़े खिलाड़ियों का पत्ता साफ, 3 ऑलराउंडर नंबर 9 तक होगी बल्लेबाजी। बांग्लादेश को धूल में मिलाने के लिए रोहित शर्मा ने तैयार कर ली नई सेना। तो क्या है खबर की पूरी जानकारी, किस तरह की नई सेना के साथ यहां पर उतरने वाले हैं रोहित शर्मा और कैसे बांग्लादेश खुली धमकियां दे रहा था, इस वजह से भारतीय टीम को अपनी प्लेइंग 11 तक बदलनी पड़ी, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय टीम इस समय बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेल रही है। अब शुरू होगी सीरीज, जिसमें यहां पर पहला मुकाबला दोस्तों 19 सितंबर से 23 सितंबर के बीच चेन्नई के एम चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। उसके बाद टीम इंडिया को कानपुर जाना है, कानपुर में एक टेस्ट मुकाबला खेलना है, और उसके बाद भारतीय टीम को यहां पर दोस्तों इसी सीरीज के दौरान 3 T20 मैचेस भी खेलने हैं। लेकिन सबसे दमदार जो होगी वो टेस्ट सीरीज होगी, क्योंकि टेस्ट में यहां पर दोस्तों आप बांग्लादेश को कम नहीं आंक सकते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश की टीम ने पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को हरा दिया। अब पाकिस्तान को हराने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस है बांग्लादेश टीम का, वो काफी ज्यादा हाई है। अब इसी कॉन्फिडेंस को लेकर लगातार वो भारत को भी धमकी दे रहे थे कि हम भारत को भी हरा देंगे, लेकिन अब गौतम गंभीर हैं सामने, और गौतम गंभीर को अगर आपने हल्के में लिया तो निश्चित ही है कि आपको यहाँ पर दोस्तों उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा। जैसे ही देखा गौतम गंभीर ने कि बांग्लादेश अपनी मजबूती जो कि उसकी बॉलिंग है, फास्ट बॉलिंग, उस पर काफी ज्यादा इतरा रही है, वैसे ही गौतम गंभीर ने प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव कर दिए। अब ओपनर्स की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर पहले टेस्ट मैच में जो ओपनर्स होंगे उनमें नंबर 1 पर नाम आता है रोहित शर्मा का। रोहित शर्मा इस मुकाबले में ओपन करने वाले और उनके साथ होंगे यशस्वी जायसवाल जो कि अपने आप में तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं, और गौतम गंभीर ने क्लियर कर दिया है कि पेसर्स आएंगे तो आप दोनों को अटैक करना ही पड़ेगा। जिस तरीके से पाकिस्तान ने डिफेंस का एक फॉर्मूला अपनाया जो कि पूरी तरीके से फेल हो गया, उसमें हमको नहीं फंसना है। उसके बाद दोस्तों नंबर 3 की बात करें तो शुभमन गिल, एक और अटैकिंग बल्लेबाज। नंबर 4 की बात करें तो यहां पर दोस्तों अगर कुछ ऊपर नीचे हो जाता है ओपनर और 3 नंबर बल्लेबाज में, तो विराट कोहली हैं, संभाल लेंगे चीजों को। उसके बाद दोस्तों KL राहुल को रखा गया है। KL राहुल को काफी अर्से बाद टीम इंडिया में वापसी करने का मौका मिला, लेकिन KL राहुल खासा अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। उसके बाद दोस्तों बात करें तो यहां पर KL राहुल के बाद ऋषभ पंत हैं। पंत अगेन एक और ताबड़तोड़ बल्लेबाज जो कि भारतीय टीम के लिए काफी अच्छा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां पर एक और खिलाड़ी के रूप में रविंद्र जडेजा होंगे। अब यहां पर चाल चल दी गौतम गंभीर ने। अगर आप देखोगे तो 3-3 स्पिनर्स को गौतम गंभीर ने अपनी प्लेइंग 11 में रखा हुआ है, क्योंकि इंडियन पिचेस हैं और खासकर चेन्नई की पिचेस हैं, यहां पर स्पिनर्स का काम आएगा। वहीं दोस्तों बात करें यहां पर जडेजा के बाद अश्विन है और फिर कुलदीप यादव, यानी 3 स्पिनर्स काफी अच्छी तरीके से पिक कर लिए गए हैं। पेसर्स में अगर बात करें तो 2 सबसे परफेक्ट पेसर्स को रख लिया है गौतम गंभीर भाई ने। यहां पर नंबर 1 पर नाम आता है मोहम्मद सिराज का, अगेन अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। और फिर दोस्तों यहां पर अगला जो नाम आता है वो नाम है जसप्रीत बुमराह का। अब अगर आप देखोगे तो काफी तगड़े तगड़े खिलाड़ियों को पिक किया है गौतम गंभीर ने। आपको क्या लगता है इस प्लेइंग 11 से टीम इंडिया यहां पर बांग्लादेश को हरा पाएगी या फिर नहीं, कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।